हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। बच्चों, आज हम जिस पाठ को करने वाले हैं उसका नाम है भगवान के डाकिये। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, परंतु उससे पहले यदि आपने इस पाठ को नहीं समझा है या इस कविता को नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाकर इस कविता को समझ सकते हैं। तो आइए इस कविता के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न आ चुके हैं, आइए हम इसे करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, यह एक बहुविकल्पी प्रश्न है, तो हम इसे करते हैं। प्रश्न नंबर क, पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? बच्चों देखिए, यहाँ पर इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। पहला मनुष्य के, दूसरा भगवान के, तीसरा धरती के और चौथा पक्षियों के। तो इसका सही उत्तर क्या है? पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? भगवान के। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये जो दूसरा नंबर विकल्प है ये सही होगा। ख नंबर प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो देखिए, इसके चार विकल्प हैं। पहला धन, दूसरा अन्न, तीसरा सुगंध और चौथा स्नेह। तो एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है बच्चों? सुगंध। तो ये जो तीसरा नंबर विकल्प है ये राइट उत्तर है, ये तीसरा वाला ही सही है। ग नंबर देखिए, भगवान के डाकिए की चिट्ठी कौन बांटता है? इसके लिए भी चार विकल्प दिए गए हैं। पहला पेड़, दूसरा पौधे, तीसरा पहाड़ और पानी, चौथा ये सभी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है कि भगवान के डाकिए की चिट्ठी पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, ये सभी, ये जो सभी हैं ये सभी बांटते हैं। इसलिए ये जो चार नंबर है वो उसका सही उत्तर होगा। चार नंबर जो है वो राइट आंसर, सही उत्तर। आइए हम आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लघुतरीय प्रश्न आ चुके हैं, हम उसे पढ़ते हैं। पहला क नंबर, भगवान के डाकिए कौन हैं? इसका उत्तर देखिए, भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं। ख नंबर प्रश्न, भगवान के डाकिए कहाँ जाते हैं? उत्तर, भगवान के डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ग नंबर प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो बच्चों, आपको इसका उत्तर पता ही है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्रश्न नंबर ख, सौरभ कहाँ तैरता है? उत्तर, सौरभ हवा में और पक्षियों के पंखों पर तैरता है। पंखों, जैसे कि कविता में लिखा गया पंखों, तो क्या होगा यहाँ पर? पक्षियों के पंखों पर तैरता है। अंग नंबर उत्तर, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? उत्तर, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आपको पता है कि एक स्थान से भाप उठती है और दूसरी जगह वही भाप जो है वो वर्षा के रूप में गिरती है। तो यही कहा गया है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आइए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए, बोधमूलक प्रश्न आ चुका है, हम इसे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। पहला क नंबर प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि यह हमेशा एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं और एक देश की सौरभ और सुगंध को, वहाँ के वातावरण को दूसरे देश तक हवा के सहारे लेकर जाते हैं, जिसे दूसरे देश के पेड़ पौधे पानी पहाड़ समझ पाते हैं, यानी कि उस पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो पक्षी और बादल एक डाकिए की भूमिका निभाते हैं, एक जगह की सौरभ सुगंध को हवा के सहारे दूसरी जगह दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। आइए ख नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत कविता का मूल भाव, बच्चों देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भगवान के डाकिया डाकिये होगा यहाँ पर, भगवान के डाकिये नामक कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने
प्रकृति के महत्व को दर्शाया है। साथ ही साथ एक देश की प्रकृति दूसरे देश की प्रकृति से किस प्रकार जुड़ी हुई है यह भी बताया है। उन्होंने इस कविता में बताया है कि पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिये होते हैं और यह एक देश से दूसरे देश बिना किसी सीमा बंधन के जा सकते हैं, यानी कोई भी रोक टोक कोई बंधन नहीं होता है। एक देश की मिट्टी की सुगंध दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। एक देश से बनने वाला भाप दूसरे देश में वर्षा के रूप में बरसता है। एक देश की प्रकृति का संदेश दूसरे देश के पेड़ पौधे पहाड़ पानी ही समझ पाते हैं, क्योंकि उस पर उनका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार धरती की सारी प्रकृति बिना किसी बंधन के आपस में जुड़ी हुई है। यानी यहाँ पर इस कविता में प्राकृतिक महत्व को दर्शाया गया है कि प्रकृति आपस में जुड़ी हुई है, उनके बीच किसी भी प्रकार का बंधन या किसी भी प्रकार का बाधा नहीं है। आइए हम आगे देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर कुछ पंक्ति देख सकते हैं जिसमें से कहा गया है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ये देखिए पहली पंक्ति, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो ये आपकी पूरी पंक्ति है। और इसके लिए पहला प्रश्न, पाठ और कवि का नाम बताइए। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत पाठ, यहाँ पे प्रस्तुत पाठ होगा, प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य मेला में संकलित भगवान के डाकिये नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आपसे जो पाठ का नाम पूछा था आपने बता दिया, पाठ का नाम क्या है, भगवान के डाकिये, और कवि का नाम पूछा गया है तो कवि का नाम क्या बताया आपने, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी पंक्ति से संबंधित, उपर्युक्त अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, प्रस्तुत अंश के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बतलाते हैं कि मनुष्य केवल अनुमान लगा सकता है कि पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिये हैं वह एक देश की खुशबू और सुगंध को दूसरे देश की धरती तक बिना किसी अवरोध के ले जाते हैं और इसे दूसरे देश के पहाड़ पेड़ पौधे ही समझ सकते हैं, इसे साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता है, यह प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो एक देश की जो प्रकृति है, हवाएं हैं, जो बादल और पक्षी हैं, ये हवा के सहारे दूसरे देश तक चीज़ों को ले जाती हैं और मनुष्य केवल अनुमान लगा सकता है, उसके बारे में ठीक से कुछ भी नहीं कह सकता है। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब भाषा बोध शुरू हो जा रहा है, तो भाषा बोध को देखते हैं। भाषा बोध में सबसे पहले कहा गया है कि महादेश शब्द दो से मिलकर बना है, महा और देश, यानी कि जो ये महादेश शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें पहला है महा और दूसरा है देश। तो इसी प्रकार इसमें जो महा शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, और कुछ ये जो उपसर्ग है कह रहा है कि और कुछ शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे, यानी जो महा उपसर्ग है, महा जो है वो एक उपसर्ग है, कह रहा है कि ये जो महा उपसर्ग है इसको अन्य शब्दों के साथ जोड़कर कुछ और शब्द बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, महा प्लस देव इक्वल टू महादेव, महा प्लस सागर बराबर महासागर, महा प्लस पुरुष महापुरुष। ठीक है, महा उपसर्ग लगा के हमने कुछ नए शब्द बना दिए। अब देखिए आगे दूसरे में कह रहा है कि लिंग बताइए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो इसमें चिट्ठी जो है वो स्त्रीलिंग, पहाड़ पुरलिंग, पेड़ पुरलिंग, सुगंध स्त्रीलिंग, पक्षी पुरलिंग, पक्षी पुरलिंग होती हैं। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम अधिकांशतः पुरलिंग में ही आते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यदि किसी पाठ से संबंधित लिंग पढ़ रहे हैं या पर्यायवाची शब्द कुछ मिल रहे हैं तो इन्हें एक कॉपी में लिख के इकट्ठा करते जाइए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिखिए, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए पर्यायवाची शब्द, और हर पाठ में जो आपको नए पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं उनको एक जगह लिख कर जमा करते जाइए और फिर बाद में उसे समय पाकर याद कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपके पर्यायवाची शब्दों की एक संग्रह टाइप में बन जाएगी और आप उसे अच्छे से याद कर सकेंगे, जिससे बाद में आपको भाषा से संबंधित चीज़ें लिखने में सुविधा होंगी और आपका ज्ञान एक अच्छे स्तर तक बढ़ पाएगा। आइए पुनः पाठ पे देखते हैं। इसमें शब्द है पहला पहाड़, पहाड़ के लिए पर्वत गिरी अचल, दूसरा है सौरभ सुगंध खुशबू महक, तीसरा पर डैना, चौथा है पानी जल नीर वारी, और उसके बाद यह है धरती, धरती के लिए भू धरा पृथ्वी
तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पर्यायवाची शब्दों का एक एक जगह आप लिख लें ताकि आपके पास एक संग्रह जैसा बन जाए जिसे आप जब भी खोलकर चाहें याद कर सकें। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा।